मैं अंजलि कुमारी, स्वागत है आपका अपना लाइव डॉट न्यूज में। आज एक चौंकाने वाली खबर जिसे सुन व देखकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की चुनावी जनसभा में भीड़ का न जुटना, कुर्सी का खाली रह जाना कुछ अलग संकेत कर रही है। जबकि सभा चाहे चुनाव की हो या किसी दूसरे चीज की, लेकिन सभा तो मुख्यमंत्री का था, फिर भी कुर्सियां खाली रह गई। आम मतदाता एवं जनता का रुझान नहीं हुआ, भाजपा के लिए यह चिंतन और मंथन का विषय बन सकता है। यह कि जनता का रुझान नहीं है या कार्यकर्ता में उत्तेजना नहीं है, आखिर इसका कारण क्या है? वैसे तो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के बारे में जो देखने को मिलता है, उसे लगता है कि पूरे देश में मोदी ही मोदी है, विपक्ष तो है ही नहीं। मतलब कांग्रेस यानी राहुल गांधी कहीं विरोध में नहीं है, चुनाव निर्विरोध हो रहा है और 400 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने हर भाषण एवं जनसभा में पूरे विश्वास के साथ वादा कर रहे हैं। जबकि गाजियाबाद उनके सपने में प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया, जो भाजपा को अपने नीति पर सोचने को मजबूर कर रहा है। अब इस पार्टी स्तर पर क्या कहा जा रहा है, वह तो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही जानेंगे, लेकिन आज के चुनावी परिवेश में यह एक अहम मुद्दा है। गाजियाबाद भारतीय नक्शा में भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वह हिंदुस्तान के सिंहासन के बहुत ही करीब है, जिसे कहा जा सकता है कि सत्ता के गर्दन पर चाकू की तरह लटका हुआ हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, जिसके फैसले का असर पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर तक जा सकता है। अब देखना यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस पर आगे किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे उनका परिणाम उनके इच्छा अनुकूल हो। धन्यवाद, देखते रहिए अपना लाइव डॉट न्यूज। नमस्कार।